टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। महान स्वतंत्रता सेनानी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया किसान सभा संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर बिहार राज्य किसान सभा अंचल परिषद बेगूसराय की ओर से किसानों के सवाल पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय बेगूसराय के सामने 10 सूत्री मांगों के समर्थन में टुनटुन दास की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। धरनार्थी मांगों से संबंधित तख्तियां हाथों में लेकर धरने पर बैठे हुए थे। धरना के समर्थन में भाकपा जिला सचिव मंडल सदस्य अनिल कुमार अंजान ने कहा कि सर के बल खड़ा हुकूमत को पैर के बल खड़ा करना होगा। सबका पेट भरने वाला किसान आज खुद भूखा मरने पर विवश है। देश की अर्थव्यवस्था का किसानों को रीढ़ कहा गया है। जरूरत है इस रीढ़ को बचाने की, इसीलिए हमने सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ करने, लॉकडाउन से हुए नुकसान की भरपाई हेतु 10,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दिलाने सहित अन्य सभी मांगों को पूरा करने का जोरदार समर्थन करता हूं। शंभु देवा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के मूल्य में रोज रोज हो रही बढ़ोतरी से भी कृषि उत्पादन लागत काफी महंगा हो गया है। गरीब किसानों के बस से खेती करना भी अब बाहर होते जा रहा है, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। नोटबंदी कानून, जीएसटी और फिर लॉकडाउन के कारण पहले से ही बेरोजगारी विस्फोटक दौर में पहुंच चुका है। देश के सामने गृह युद्ध का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए पेट्रोल डीजल के मूल्यों में की गई वृद्धि को अविलंब वापस लेना होगा। अध्यक्षीय भाषण में टुनटुन दास ने कहा कि बंजर भूमि जैसे विकल्प को ठुकरा कर बिहार सरकार के द्वारा एनटीपीसी को रामदीरी जगतपुरा सहित अन्य गांवों के किसानों का उपजाऊ भूमि देना और हक की आवाज उठाने पर निर्मम पिटाई करना, ये सरकार की किसान विरोधी चरित्र को दर्शाता है। इसलिए आज आप लोग यहाँ पर अंचल परिषद में धरना दे रहे हैं। ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। महान स्वतंत्रता सेनानी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि के अवसर पर किसान संघर्ष समन्वय समिति बिहार राज्य किसान सभा की ओर से ये कार्यक्रम आहूत है। हम सदर प्रखंड कार्यालय के सामने विपरीत मौसम के बावजूद हम उस आंदोलन की एक कड़ी मात्र हैं। इस तरह के प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में आज किसानों के सवाल पर लोग मोर्चा संभाले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के अवधि में जब दूसरे तबका के लोग अपने अपने घरों में कैद थे, वैसी स्थिति में भी डंटा खाते हुए, यातना सहते हुए किसान खेतों से गल्ला पैदा करने का काम किया, सब्जी उत्पादन करने का काम किया और उन किसानों पर डंडे बरसाए गए। आज के तारीख में वो हम मांग करने आए हैं कि लॉकडाउन के वजह से उन किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसीलिए प्रति एकड़ 10,000 रुपया प्रत्येक किसानों को आपको मुआवजा देना है। हम मांग करने आए हैं कि पेट्रोल डीजल में रोज बरोज जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रहा है, इसके कारण कृषि लागत में भी बढ़ोतरी हो रही है। गरीब किसान खेती छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। एक तरफ पहले से ही नोटबंदी कानून और जीएसटी के तहत बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ा हो गई, और अगर ये कृषि छोड़ के ये किसान अगर विमुख हो जाएंगे तो ये बेरोजगारों की फौज और लंबी होगी और एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगा। इसलिए पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लेने की हम मांग करने आए हैं। हम मांग करने आए हैं कि तमाम तरह का कृषि ऋण आपको माफ करना चाहिए। इस तरह 10 सूत्री मांगों को लेकर सदर प्रखंड कार्यालय के सामने हम आंदोलन करने आए हैं। अनिल कुमार अंजान, जिला सचिव मंडल सदस्य, बेगूसराय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।